नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास टेंथ के ज्योग्राफी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज का पार्ट टू। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वाटर रिसोर्सेज के बारे में, उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट्स थे, डैम्स थे, उन सब के बारे में जाना था। तो आज हम लोग देखते हैं, मतलब इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं एक गाना से, मतलब एक सॉन्ग है, गीत, जो कि दामोदर घाटी के जो लोग हैं वो गाते हैं। कब? तो बरसात के दिनों में। तो उन्होंने किया क्या, तो इस गाने के माध्यम से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने किया क्या कि अषाढ़ में अपना फसल लगाया और भादों में भद्रा आया और भद्रा आने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश से बाढ़ आ गया और दामोदर जो है वो पूरे उफान पर है। अब कोई भी नाव जो है वो दामोदर नदी में नहीं चल रही है। तो वो जो किसान हैं वो दामोदर नदी के को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पांव पर रहा हूँ, कृपया अपने अंदर का जो बाढ़ है उसको कम करो, थोड़ा कम करो, क्योंकि भादो जो है वो एक साल बाद आएगा और अपने अंदर यानी अपने पानी में नावों को चलने दो, यानी कि नाव चलने लगेगी तो पानी जो है वो उसका कम हो जाएगा, यानी बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं वो प्रभावित नहीं रहेंगे। और ये जो दामोदर नदी है इसको रिवर ऑफ सौरो भी, मतलब दुख का नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बाढ़ आने से बहुत सारे लोगों का फसल, जनजीवन भी तहस नहस हो जाता है। तो अभी के कुछ दिनों में वो क्या रहा है कि जो भी मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर जिसको हम लोग डैम्स कहते हैं, उसके कारण वो क्या रहा है कि बहुत लोगों जो है उसका विरोध कर रहे हैं बहुत सारे कारणों से। तो इस कारण से उसका सूक्ष्म परीक्षण करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इन नदियों को रेगुलेट करने से क्या हो रहा है, उनको डैमिंग करने से, मतलब अब हम नदियों को क्या करने लगे हैं, अपने अनुसार रेगुलेट करने लगे हैं, जिसके कारण उसका जो नेचुरल फ्लो है वो प्रभावित हुआ है। और उस नेचुरल फ्लो को प्रभावित होने के कारण जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट फ्लो, वो भी पुअर हो गया है। क्योंकि होता क्या था कि नदियां क्या करती थी कि अपने साथ सिल्ट और जो एल्यूवियल सॉइल है वो लाती थी और दूसरे जगहों को फर्टाइल बनाती थी। अब जो बांध है, डैम है, तो डैम के कारण क्या हो रहा है कि वो सारा रुक जा रहा है, और रुकने के कारण जितना भी जो सेडिमेंटेशन है यानी जो भी सॉइल है, जो सैंड्स है, सिल्ट है, वो सभी उसी रिजर्वायर के बॉटम में, मतलब नीचे आकर के जम जा रही है, जिसके कारण जो बेड है, मतलब जो नदी का जो नीचे का जो जमीन है वो रॉकियर हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स भी आकर के, और जिसके कारण जो भी एक्वाटिक लाइफ है यानी जल का जो जीवन है, जो नदी में रहते थे जो जीव, उनका हैबिटेट, आवास भी है, अब बिल्कुल बेकार हो गया, मतलब अब वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। डैम क्या किया है कि बहुत सारे नदियों को फ्रैगमेंट भी कर दिया है, मतलब उन लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है, और इस कारण डिफिकल्ट हो रहा है वहाँ रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है, और इस कारण वो अंडा भी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो जल में रहने वाले जो अंडा देने वाले जीव हैं वो अंडा भी नहीं दे पा रहे हैं। अब रिजर्वायर जो है वो और क्या क्रिएट किया है, तो फ्लड प्लेन यानी बाढ़ से बलने वाले कोई जो समतल जमीन, क्योंकि सेडिमेंटेशन में मिट्टी वगैरह आती है और कहीं पर इकट्ठा हो जाती है तो वो फ्लड प्लेन बनाता है। अब ये फ्लड प्लेन बना और जो पहले से होने वाले जो वेजिटेशंस वगैरह थे वो डूब जा रहे हैं, वो पानी में क्या हो रहे हैं, डूब जा रहे हैं इस बांध के कारण। और क्या हो रहा है कि बहुत दिनों तक, अगर लंबे समय तक डिकम्पोज होते रहे वो, यानी कि फ्लड प्लेन बनते रहे, तो उसके कारण भी बहुत सारा कठिनाई हो रही है। अब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट या लार्ज डैम के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है वो नया सोशल मूवमेंट भी इसके कारण लोग चलाना शुरू कर दिए हैं, सामाजिक आंदोलन, उसमें से कुछ जो फेमस आंदोलन है जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तेहरी डैम आंदोलन है, ये सब। यहाँ होता क्या है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्सों का, और मेनली
क्यों? तो बहुत ही इसका कारण है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, यानी जो लोकल रहने वाले जो समुदाय हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनका जो घर था, जो ज़मीन था, वो सब डूब गया है, और लोकल जो लोग हैं उन्होंने अपना ज़मीन भी छोड़ दिया है, अपना जो जीविकोपार्जन जो उससे होता था, और उसके कारण उनका जो वहाँ से जो रिसोर्स थे, मतलब नदी के अगल बगल जो रिसोर्स थे जिन पर वो निर्भर रहते थे, वो भी अब कम हो रहा है, मतलब उसका यूज भी वो लोग कम कर पा रहे हैं। और ये सब उन्होंने किस लिए किया था? तो नेशन के भलाई के लिए, नहीं राष्ट्र के भलाई के लिए। तो यदि लोकल लोग ही उस भलाई से बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, यानी उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बेनिफिट है, मतलब किसको आखिर फायदा दे रहा है? तो शायद इससे फायदा मिल रहा है किनको? तो बड़े बड़े जो जमींदार हैं, या फिर बड़े किसान अगर कहा जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, या फिर कुछ जो अर्बन सेंटर्स हैं, उनको इनसे बहुत ज़्यादा फायदा हो रही है। तो अगर हम देखें उस किसान की बात अगर करें जो कि लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, तो क्या सही में इन प्रोजेक्ट से उन्हें कोई फायदा हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं, इन प्रोजेक्ट से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कि सेव नर्मदा मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक नन एनजीओ का प्रोग्राम है, जिसमें जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं, तो वहाँ के जो जनजातीय लोग हो गए, किसान हो गए, और पर्यावरण भी हो गए, और मानव अधिकार का जो रक्षा करने वाले जो लोग हैं, वो लोग सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि नर्मदा रिवर जो है गुजरात में, उस पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण के को नुकसान हो रहा है। वहाँ के जो भी पेड़ पौधे हैं वो डूब जा रहे हैं डैम के वाटर में। और रिसेंटली क्या हुआ है कि लोग जो हैं वो फिर से फोकस करने लगे हैं किस पे, तो अब वहाँ के जो गरीब नागरिक हैं उन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होने लगे हैं, वहाँ से दूसरे जगह जाने पे मजबूर हो गए हैं, और सरकार ने उनसे कहा क्या था कि उनको रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ देगी सरकार, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं मिला है। इस कारण बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और उनका जो प्रभावित होना है वो बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि उनके डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब उनको कहा गया था कि आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इसके बदले आपको सिंचाई युक्त भूमि दिया जाएगा, मतलब जहाँ पे अच्छा सिंचाई हो और वहाँ आप अच्छे से बहुत ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। लेकिन अगर रिहैंड के जो सर्वाइवर्स हैं, जो नागरिक हैं जो दूसरे जगह जा कर रह रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं कि हमारा जो बलिदान है नेशन के लिए वो सही नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो 30 साल, यानी 30 साल बीत गए हैं उनको वहां से हटे हुए, लेकिन जो सरकार जो कार्य कर रही थी वो बिल्कुल ही उनको संदिग्ध लग रहा है कि उनके लिए भी सरकार शायद कुछ करे। तो वो लोग कहते हैं कि केवल हम ही लोग क्यों थे, हम ही को क्यों चुना गया इस बलिदान के लिए, बाकी भी तो लोग थे उनको चुना जाता। तो अब आगे देखते हैं, तो ये तो हम लोग रिहैंड के जो लोग हैं उनके बारे में जान लिए, उनका क्या सोच है। अब इरिगेशन से हुआ क्या, यानी सिंचाई हुआ, ये डैम जो बना उसके कारण क्या हुआ? तो उसके कारण क्रॉपिंग पैटर्न, यानी जो फसल लगाने की जो पद्धति थी उसमें बदलाव आया बहुत सारे क्षेत्रों में, और फार्मर जो थे अब वो वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप का खेती करना शुरू कर दिए। इसके कारण हमारा जो ग्रेट इकोलॉजिकल, मतलब जो हमारा इकोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम मिट्टी का बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, सैलिनेशन, मतलब वो क्षारीकरण, उसमें लवण की मात्रा यानी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसी समय क्या होता है कि सोशल लैंडस्केप यानी लोगों के बीच में एक गैप आ जाता है, सोशल गैप भी आ जाता है, और लैंडस्केप में तो चेंजिंग हो ही रहा है। सोशल गैप किनके बीच में, तो जो अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं और जो लैंडलेस पुअर हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमीर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि डैम जो है वो एक तरीके से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि लोग जो हैं वो अलग अलग उसका यूज करते हैं, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके से उससे फायदा मिलता है अलग अलग लोगों को सेम वाटर रिसोर्स से। और अगर गुजरात की बात देखी जाए तो गुजरात के जो लोग हैं साबरमती बेसिन के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से हैं। अब वो मतलब क्या कर रहे हैं कि अशांत हो गए हैं, वो बहुत जगहों पर
राइट भी करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि दंगा करना शुरू कर दिए हैं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो जो वहाँ जो डैम बना था वो उन लोगों के लिए था, लेकिन उसका वाटर सप्लाई कहाँ हो रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में, और पार्टिकुलरली उस समय में जब वहाँ सूखा रहता है, तो सूखे के समय में जो पानी है वो शहरी क्षेत्रों में पहुँचा दिया जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच में भी जल का विवाद होता है, और ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, उनमें दोनों स्टेट के जो लोग हैं वो अपना पैसा खर्च किए और वो चाहते हैं कि हाँ हम दोनों को फ़ायदा इससे मिले। लेकिन हुआ क्या, सो हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो पहले ये जान लेते हैं कि क्या एक जो मुद्दा है जो दो स्टेट के बीच में यानी इंटर स्टेट, तो कृष्णा गोदावरी जो मुद्दा है, विवाद है, वो किनके किनके बीच में है, तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के सरकारों के बीच में है। ये किस कारण से, तो वाटर का डाइवर्जन जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा, अब क्या हुआ कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन गया, डैम बन गया, यानी कि अब महाराष्ट्र सरकार ज़्यादा पानी उसका यूज कर ले रही है और उन लोगों को दे ही नहीं रही, मतलब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को, तो जिस कारण जो नीचे जाने वाली, मतलब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जाने वाली जो डाउन स्ट्रीम है, जो नदी का जो पानी है वो बहुत कम गया है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि वहाँ का कृषि और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। अब बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो हुए इन प्रोजेक्ट के कारण, क्योंकि ये जो है वो अपना जो पर्पस था उसको अचीव नहीं कर पाया, उसमें ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो गए हैं जिसके कारण ये बनाए गए थे। तो बहुत सारे डैम जो बनाए गए थे उनका कारण क्या था कि वो बाढ़ को कंट्रोल करें, बाढ़ जो है उसको वो रोकें। लेकिन हुआ क्या कि उसके बॉटम में सेडिमेंटेशन होने के कारण, यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो जाने के कारण रिजर्वायर में, ये जो बड़े बड़े डैम हैं वो अनसक्सेसफुल हो गए और ये बाढ़ को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी एक्सेसिव रेनफॉल होता है यानी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, तो होता क्या है कि वहाँ और भी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भयानक हो जाता है, यानी पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि अगल बगल का जो एरिया है वो पूरा डूब जाता है। और आपने देखा होगा कि जब किसी बांध से पानी छोड़ा गया था हेवी रेनफॉल के कारण, तो उस कारण महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, कब, तो 2006 में। और फ्लड जो है वो केवल लोगों के जीवन और उसके प्रॉपर्टी को ही बर्बाद नहीं करता है, बल्कि इसके कारण मिट्टी का कटाव भी होता है। और सेडिमेंटेशन से होता क्या है कि फ्लड प्लेन बनता है, और फ्लड प्लेन में मेनली किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो सिल्ट से, और ये एक तरीके से नेचुरल फर्टिलाइजर है। लेकिन और अधिक अगर ये इस तरीके का फ्लड प्लेन बने तो लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, क्योंकि फ्लड प्लेन बनने का कारण क्या है कि मिट्टी जो है वो दूसरे जगह से कट करके और नदियां ले जाती है, तो जो दूसरे जगह का जो मिट्टी है वो तो डिग्रेड हो रहा है, तो वहाँ जो है उनको तो कमी हो रही है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है उसके कारण भूकंप भी आता है, उसके कारण पानी से होने वाली बीमारियाँ भी होती है, पेस्ट भी, मतलब जो कीड़े मकोड़े हो गए, उसके बाद पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और ज़्यादा यूज करेंगे तो वाटर का ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी वर्षा जल का किस तरीके से संरक्षण करना है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों हम लोग ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर रहे हैं, इससे अच्छा होता कि हम लोग करते क्या कि वाटर हार्वेस्टिंग करते, यानी जल का संरक्षण करते। तो इस कारण वो लोग मानते हैं कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो उनको जीने योग्य बनाएगा, बोथ इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली, यानी पर्यावरण के रूप में भी, पर्यावरण के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो अगर प्राचीन भारत से ही देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था किसमें, तो उसमें भारत में बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परंपरा थी भारत की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। तो जो लोग थे उनके पास बहुत ही गहरा नॉलेज था किस बारे में, तो रेनफॉल के बारे में, मतलब बारिश होती है तो कैसे उसका पानी का संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, उनको सॉइल टाइप के बारे में भी जानकारी थी, और उनके पास जो टेक्निक्स थी उससे वो करते क्या थे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे, बचा करके रखते थे, ग्राउंड वाटर को किस तरीके से फिर से रिजनरेट करना है, और रिवर वाटर को, फ्लड वाटर को कैसे रखना है, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन को कैसे बचा करके रखना है, और उनकी जो जल की जो ज़रूरत है उसे कैसे
पूरा करना है। तो आज भी होता क्या है कि पहाड़े जो छोटे पहाड़ हैं या फिर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ के जो क्षेत्र हैं वहाँ लोग करते क्या है कि बहुत सारे डाइवर्जन चैनल बनाते हैं, जैसे कि गूल्स हो गए, कूल्स हो गए, जहाँ मतलब जब ज़्यादा बारिश होती है तो डाइवर्जन पाथ से जो पानी है वो जा करके ये गूल्स और कूल्स, बड़ा सा पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पर जा करके इकट्ठा हो जाता है। और ये मेनली कहाँ होता है तो वेस्टर्न हिमालय के एरिया में, और इसका यूज जब उन लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है कृषि के में तो वहाँ से पानी लेते हैं और अपना कृषि कार्य करते हैं। अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमन है कहाँ, तो पर्टिकुलरली राजस्थान में, जहाँ लोग पानी को इकट्ठा करते हैं पीने के लिए, यानी कि जब भी बारिश होती है तो जो भी छत पर जो पानी आया उसको लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो फ्लड प्लेन जो बंगाल का जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ भी लोग क्या करते हैं कि चैनल बना करके अपने नदियों तक पानी को पहुँचाते हैं। और वैसा एरिया जो कि शुष्क है या फिर अर्ध शुष्क मतलब सूखा क्षेत्र, वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड को ही रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब जब बारिश हुआ तो किया क्या जाता है कि खेत में ही पानी को इकट्ठा कर लिया गया, और उससे होगा क्या कि जो मिट्टी है वो उसमें नमी आ गया, खास करके जैसलमेर राजस्थान में, उसके बाद खादिन्स बनाया जाता है, जोड्स, ये सब और भी राजस्थान के जो दूसरे भाग हैं उसमें। तो क्या आप भी पानी को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको बचाते हैं? अगर नहीं तो इस मानसून हमें ज्वाइन कीजिए और हर एक रेन ड्रॉप्स को काउंट कीजिए, उसको बचाइए। अब आगे देखते हैं कि सेमी एरिड और एरिड रीजन होता क्या है और इसमें क्या होता है। तो सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क, जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है, शुष्क मतलब पूरा सूखा क्षेत्र, जैसे कि खास करके राजस्थान का क्षेत्र, जैसे बीकानेर हो गया, पहलोडी हो गया, उसके बाद बाड़मेर हो गया, और बहुत सारे जो घर हैं वो ट्रेडिशनली उनके पास अंडरग्राउंड टैंक्स या फिर टैंकाज है, उनमें वो लोग करते क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी स्टोर करके रखते हैं। वो स्टोर करते कैसे हैं सो देखते हैं कि ये टैंक जो है वो इतना बड़ा होता है कि एक बड़े से कमरे जितना, एक हाउस होल्ड जो है पिडोही में, उसके पास जो टैंक है पिडोही जो जगह है वहाँ, वो उसका जो गहराई है वो 6.1 मीटर और लंबाई 4.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.44 मीटर होता है। और टैंक का जो है वो वेल डेवलप्ड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि घर मतलब मेन जो घर है उसके नीचे बनाया हुआ रहता है या फिर बरामदे के नीचे। ये जो है वो कैसे काम करते हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं स्लोपिंग रूप से, यानी जो ढालूनुमा जो छत है उससे, और वो कैसे कनेक्ट, तो घर से वहाँ से पाइप आता है और रेन वाटर जो है वो रूफ टॉप से आकर के और उन्हीं पाइप के थ्रू जाकर के अंडरग्राउंड जो टैंकाज होते हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और जो पहला बारिश होता है शुरुआत का, उसे कलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पानी किस लिए यूज होता है, तो वो छत को साफ करने में और जो पाइप है उसे साफ करने में उस पानी का यूज लोग करते हैं। और उसके बाद जो भी बारिश होती है वो सारे बारिश का जो पानी है उसे उन टैंकाज में राजस्थान के लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब रेन वाटर स्टोर जो होता है टैंकाज में, वो तब तक स्टोर रहता है जब तक कि अगला बारिश ना हो जाए, और इसका यूज लोग करते हैं ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने में, और जब खास करके सूखा जब आ जाता है यानी कि गर्मी के दिनों में, उस समय सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। अब रेन वाटर जिसको कि पालर पानी भी कहा जाता है राजस्थान में, ये कॉमनली रेफर्ड करता है इन पार्ट्स में, मतलब राजस्थान के पार्ट्स में इसे पालर पानी भी कहा जाता है रेन वाटर को। और वो लोग मानते हैं कि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है नेचुरल वाटर का, और बहुत सारे घर इसी कारण से अंडरग्राउंड रूम भी बना करके रखे हैं उस टैंका से लगे हुए, क्योंकि गर्मी में जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए उसके बगल का जो रूम होता है वो इतना ठंडा होता है, मतलब एयर कंडीशनर भी उसके सामने फेल है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत ही रोचक जानकारी है, क्या है कि रूफटॉप हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही कॉमन है कहाँ, तो शिलोंग में ही। अब शिलोंग कहाँ है, तो मेघालय में। और ये जानकर कि आपको आश्चर्य होगा कि चेरापूंजी और मांसीरम जो है वो वहाँ से केवल 55 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, शिलोंग से, जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। तो जब सबसे अधिक बारिश हो रही है तो फिर वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? तो इस कारण से, क्योंकि चेरापूंजी और मांसीरम में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उनका जो कैपिटल है राजधानी शिलोंग, वहाँ सब बहुत कम बारिश होती है, और लगभग हर एक घर जो है उस शहर का वहाँ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। और वो लोग करते क्या है कि अपने घर का जो वाटर का यूज है उसका 15-25% इन्हीं रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का जो वाटर है उससे पूरा करते हैं।
अब आगे देखते हैं कि अब हो क्या रहा है आज के दिनों में। तो वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ही दुख की बात है कि लोग अब रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका प्रचलन धीरे धीरे गिरते जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ राजस्थान में जो नहर बनी है उसके कारण सालों भर उन लोगों के पास पानी अवेलेबल रहता है। इस कारण अब लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने घरों में टैंकाज बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जो नल का जो पानी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और अगर फॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो सौभाग्यशाली हम लोग इस कारण से हैं कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर अर्बन इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहा है और लोग जो हैं वो जल का संरक्षण कर रहे हैं। अगर गेंदा थूर का बात किया जाए जो कि मैसूर जिला कर्नाटक का बहुत ही सुदूर गाँव है, मतलब दूर का गाँव है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो करते क्या है कि रूफ टॉप हाउस होल्ड पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं और जिससे उनकी घरेलू जो जल की जरूरत है वो पूरी होती है। और लगभग 200 घरों में ये जो सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। और गांव जो है वो क्या किया है कि इतना ज़्यादा उसके पास रेन वाटर इकट्ठा हो गया है कि उसे अब पानी की किल्लत होती नहीं है उस गांव में। और जब लोग जो हैं अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कीमत को समझ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से बैम्बो से आ रहा है, मतलब पानी और ड्रिप इरिगेशन हो रहा है, मतलब बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई जिसे हम लोग कहते हैं खेतों में। तो अब देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं लोग। अब गेंथा थूर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ लगभग सालाना 1000 मिलीमीटर बारिश होती है और इस पानी का 80% पानी कलेक्ट कर लिया जाता है। 10 फिलिंग लोग बनाए हुए हैं अपने घर में, हरेक घर में, और हरेक घर में लगभग 50,000 लीटर साल में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और अगर 20 घर की बात किया जाए तो ये जो नेट अमाउंट वाटर हार्वेस्टिंग का है ये 1,00,000 लीटर हो जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है क्या कि तमिलनाडु एक ऐसा पहला और इकलौता राज्य है भारत का जहां रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंपल्सरी है, हर एक घर में ये बनाना जरूरी है। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है यानी डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यहां ये जो चैप्टर था वो समाप्त होता है ज्योग्राफी का। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो जरूर देख लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।